एक कपल जंगल में अपनी एनिवर्सरी स्पेंड करने के लिए आता है, तभी जूल्स की डार्क साइड बाहर आ गई थी। मूवी एक बहुत ही जबरदस्त सा टर्न लेती है और हमेशा हमारी सीट की एज पर रखती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाट कीप्स यू अलाइव ये 2018 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बारे में ज्यादा बताना स्पॉइलर होगा, तो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं, जूल्स और जैकी। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो जैकी के जंगल के घर पर जाकर इसे वो स्पेंड करना चाहते थे। यहाँ पर पहुंचे तो जूल्स को यह घर बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग चीजें करने का इन्होंने प्लान किया। जूल जब घर देख रही थी तो अचानक से जैकी गायब हो जाती है। वो हर जगह पर उसे ढूंढती है तो जैकी लेक के पास खड़ी थी। जैकी ने कहा कि स्टॉर्म की वजह से बोट हाउस बर्बाद हो चुका है। इसके बाद ये रात में हैंग आउट कर रहे थे। जैकी अपने गिटार पर गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। ये गाना बहुत ही डार्क था, अपने अंदर के डेविल को बाहर निकाला जाए, ये इसके लिरिक्स थे। ये गाना जूल्स को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो जैकी के पास वो चली गई और ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अचानक से इन्हें बाहर गाड़ी की आवाज आई। जैकी डोर ओपन करने के लिए जा रही थी तो जूल्स उसे मना कर दिया, पर जैकी ने जब डोर खोला तो उसकी फ्रेंड सारा थी। सारा जैकी का नाम अलग ही लेती है। जूल्स के लिए बात बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी। सारा कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम वापस आ चुकी हो। लास्ट ईयर हमारे घर पर चोरी हुई थी और इसी वजह से जब मैंने तुम्हारे घर पर लाइट देखा तो मैं चेक करने के लिए पहुंच गई। जैकी जूल्स को सारा से इंट्रोड्यूस करा दिया और जूल्स को यहाँ यह भी पता चला कि जैकी और सारा ये बचपन की फ्रेंड्स है। सारा के जाने के बाद जूल्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जैकी ने जूल्स को अपना रियल नेम बताया नहीं था, तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। जैकी कहती कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, पर जूल्स इसके मूड में नहीं थी। अगली सुबह जब जूल्स लेक के पास थे तो जैकी कहती है कि मेरे साथ चलो। वो एक पुरानी बोट निकालते और लेक पर गए। जैकी ने कहा कि मैं मेरी पास्ट लाइफ पूरी तरीके से भुला देना चाहती थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं लेस्बियन हूँ, उसके पहले की मेमोरीज में नहीं चाहती। उसने जूल्स को एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस दिया जिनमें उन दोनों की फोटो थी। जूल्स ये देखती है और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। जूल्स ने बहुत बार शूट करने का ट्राई किया पर कभी भी उसे गन चलानी आती नहीं थी। जब जैकी ट्राई करती है तो तीनों शॉट उसके सही लगते हैं। उसने कहा कि हमारे फादर हमें हमेशा हंटिंग के लिए लेकर जाते थे। एक बार मैंने एक बियर को भी मार दिया था। जब मैं उसके पास गई तो जिंदा था। मैंने उसे फिर से गोली मारने की कोशिश की पर मेरी गन जाम हो गई थी। उसे उस बियर को वैसे ही तड़पता देखना पड़ा था। वो कभी भी इसे भूल नहीं सकती। जैकी कहती है मेरे फादर हमेशा कहा करते थे हम उसी चीज़ों को मारते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। उसके बाद से जैकी हमेशा अपने पास नाइफ रखती है। जैकी की ये जो अभी अभी डार्क साइड जूल्स को पता चली है ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। सुबह जूल्स उठी तो जैकी आसपास नहीं थी, वो ग्रोसरी लेने के लिए टाउन में गई हुई थी। इसका मैसेज जो जूल्स को छोड़कर जा दिया। जूल्स को लगता है कि शायद जैकी और सारा एक दूसरे को लाइक करते हैं। सारा का घर लेक को क्रॉस कर कर ही था तो जूल डायरेक्टली बोट पर वहां पर पहुंच जाती है। सारा ने उसे घर में अंदर बुलाया, तब हमें पता चलता है कि सारा का एक हस्बैंड है जिसका नाम है डैनियल। घर में जूल्स इनके बचपन की एक फोटो देखती है जिनमें तीन लड़कियां थी। जूल्स ने तीसरी लड़की के बारे में सारा से पूछा तो सारा कहती कि उसकी डेथ हो गई थी। जैकी ने कभी भी अपने थर्ड फ्रेंड के बारे में जूल्स को बताया नहीं था। ये बात सारा को बहुत ही अजीब लगी। वो कहती है हम तीनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। जाते जाते जूल्स सारा और डैनियल को संडे पर डिनर के लिए इनवाइट कर जाती है। नेक्स्ट सीन में जूल्स और जैकी जब एक साथ है तो जूल्स उस पर गुस्सा थी। जैकी इसका रीजन पूछती है तो जूल्स ने कहा कि तुम मुझे बहुत सारी चीजें नहीं बताती, तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में तुमने मुझे बताया भी नहीं। जैकी कहती कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए हार्ड था। वो जब छोटे थे तो हमेशा लेक में स्विमिंग की रेस लगाया करते थे। एक दिन जब जैकी और उसके फ्रेंड ने रेस लगाई तो उसकी फ्रेंड पानी में डूब गई थी। सबको लगा था कि जैकी ने जानबूझकर अपने फ्रेंड को डुबा दिया, पर जैकी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। जूल से बात समझ लेती है और उसने उसे सहारा दिया। इसके बाद दोनों एक क्लिफ पर आए। जूल्स व्यू देख रही थी तो जैकी डायरेक्टली उसे धक्का दे देती है। जूल्स नीचे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जैकी घर पर आकर प्रैक्टिस करती है कि पुलिस को क्या बात करेगी। वो प्रिटेंड करने वाली थी कि जूल्स एक्सीडेंटली नीचे गिर गई। इसके बाद वो जूल्स को देखने के लिए फिर से उसके पास आई, पर जूल्स वहाँ पर नहीं थी। जूल्स बहुत ही ज़्यादा पेन में यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। उसके शोल्डर हाथ सब कुछ डिसलोकेट हो गया था, तो स्लोली स्लोली इसे रिपेयर करने की वो कोशिश करती है। अचानक से जैकी का उसे ढूंढने का आवाज़ आ गया तो डर कर छुप जाती है। जैकी प्रिटेंड कर बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं कि मैंने किया क्या, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चलो हम घर चलते हैं।
उसका सारा नाटक जूल्स ने देख लिया, क्योंकि जैकी अगले ही सेकंड में नॉर्मल पर आ गई थी। ये सब देखकर जूल्स को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। इसके बाद रात हो गई, फिर भी जैकी जूल्स को ढूंढ ही रही थी। जैकी कहती कि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, इस जंगल को मुझसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। जूल्स बेचारी अपनी सांस रोककर वही छिप कर रहती है। इनके एक दूसरे के साथ जो भी पल थे इन सबको याद कर रही थी। अगली सुबह जैकी जूल्स को मारने के लिए रेडी हो गई। उसने बेहोशी की दवाई अपने गन में निकाली, उसे मारने के लिए चली जाती है। पैरेलल में जूल्स को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, पर फिर भी इससे वो फाइट करती है। स्लोली स्लोली एक पॉन्ड के पास उसने पानी पिया, उसके बाद वो चलने लग गए। जैकी ने रोड पर नजर रखी, यानी कि जूल्स वहां से भाग ना सके। जूल्स भागते भागते घर पर आ गए। उसने फोन को ढूंढने की कोशिश की, पर जैकी ने सब कुछ छुपा दिया था। उसे लैपटॉप मिलता है, पर यहाँ पर वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं था। जूल्स ने फिर फर्स्ट एड किट निकाला और खुद को स्टिच कर दिया। जैकी घर के पास आई तो समझ जाती कि जूल्स घर के अंदर ही है। ऊपर गई तो जूल्स का ब्लड उसने देखा। वो जल्दी से बाहर आई तो जूल्स बोट लेकर नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वो बेचारी इंजर्ड है तो जल्दी से भाग नहीं सकती। जैकी भी बोट लेकर उसके पास आ रही थी। वो फाइनली उसके बोट में चढ़ गई और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ मैं जो कहती हूँ वैसा करती जाओ। बोट चलाते चलाते सारा के घर के पास आ गए थे। डैनियल बाहर ही था तो उन्हें कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। जैकी जूल्स को वार्न कर दिया कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो डैनियल और सारा दोनों को मार डालेगी। जैकी ने डैनियल से कहा कि सब कुछ ठीक है, हम जरा सिर्फ थक गए थे तो अब वापस जा रहे हैं। कल संडे था तो डैनियल ने उसे याद करा कर दी। जैकी ने कहा कि कल हम जरा बिजी है। जूल्स मौके का फायदा उठाकर कहती है कि आज रात हम फ्री है, तुम आ सकते हो। अब ये जैकी के लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी। वो जूल्स को घर लेकर आए, उसे नहला दिया, उसके सारे वुंड्स को कवर अप कर दिया। जूल्स पूछती कि क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था। जैकी ने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ मैं पॉलिसी के पैसों के लिए कर रही हूँ। शादी के तुरंत बाद जैकी ने एक्सीडेंटल डेथ की एक बहुत बड़ी पॉलिसी निकाल ली थी। जैकी ने फिर से जूल्स को वार्न किया कि अगर तुमने सारा को कुछ भी बताया तो मैं उन दोनों को मार डालूंगी। रात में जब उन दोनों का आने का वेट कर रहे थे तो जूल्स कहती है तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें हेल्प करूंगी, अगर तुम चाहो तो इन सब से हम बहुत दूर जा सकते हैं। जैकी समझ गई कि जूल्स सिर्फ उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उसके जाल में वो नहीं फंसती। इसके बाद सारा और डैनियल घर पर आ गए। डिनर पर सारा जूल्स से पूछती है तुम्हें कब पता चला था कि तुम जैकी से प्यार करती हो। जूल्स ने कहा कि मेरे लिए प्यार स्लो हुआ था। स्लोली स्लोली मैं जैकी को जानती गई, उसकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया था। जब आप शादी करते हो तो एक चांस लेते हो और होप करते हो कि आपको सब कुछ अच्छा ही मिले। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे जैकी जैसी वाइफ मिली। सारा और डैनियल को कुछ भी वियर्ड नहीं लगता। म्यूजिक वगैरह लगा कर ये ड्रिंक कर रहे थे। डैनियल जैकी से कहता है कि सारा को लगता है कि तुम ज़रा अजीब हो। इसी के पैरेलल में जूल्स जब सारा के साथ थे तो सब कुछ उसने उसे बता दिया। सारा जोर से डैनियल को चिल्ला कर कहती है कि जैकी से दूर हो जाओ। सारा समझ गई और तुरंत वो डैनियल का गला काट देती है। जैकी फिर अंदर आकर सारा के पीछे भागी, वो उसे भी मार डालती है। वो नीचे जूल्स के पास आए, उसने कहा कि मैं कितने भी लोगों को मारूं मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब तुम्हारी गलती है। इसके बाद उसने सारा के सामने इन दोनों की बॉडीज को काट डाला। उसने लेक का सर्वे किया था, ये बहुत ही डीप था तो जाकर ये बॉडी उसमें डुबा कर आते हैं। सारी क्लीनिंग जैकी ने जूल्स को ही करने के लिए कही। जूल्स समझ नहीं पा रही थी कि जैकी इस तरीके से क्यों है। उसे पूछती है कि तुम्हारी मदर या फादर ने तुम्हें बचपन में कुछ किया था। जैकी ने कहा कि मेरा बचपन एकदम परफेक्ट था, ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। उन्होंने घर से सारे सबूत मिटा दिया। जूल्स को जैकी बांध कर उसी के पास सो जाती है। जूल्स ने हैंडकफ से निकलने की बहुत कोशिश की और फाइनली वो निकल जाती है। पास का चाकू उसने लिया और जैकी को मार डाल दिया, पर यह सिर्फ एक उसका सपना था। एक्चुअल में इस हैंडकफ से वो निकल नहीं पाई थी। अगली सुबह वो जूल्स को खाना वगैरह सब कुछ देती है। उसका प्लान था कि जूल्स जब ठीक हो जाएगी तो फिर से माउंटेन के पास जाकर उसे धक्का दे देगी, इससे सबको लगेगा कि ये एक्सीडेंट था और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। जैकी जब अलग रूम में थी तो जूल्स ने एक डिब्बी देखी। जैसा नेकलेस जैकी ने जूल्स को गिफ्ट किया था वैसे ही बहुत सारे नेकलेस यहाँ पर पड़े हुए थे। इसका मतलब है जूल्स के साथ जैकी ने जो किया था ये बहुत बार वो कर चुकी है। वो एक सीरियल किलर है और सब कुछ वो पैसों के लिए करती है। जैकी जूल्स को फिर से वुड्स में लेकर जा रही थी तो जूल्स उससे बात करती है और डिस्ट्रैक्ट कर देती है। उसने जैकी का एक बेहोशी का डार्ट चुरा लिया था, उसके गले में डाल देती है। वो भागी तो जैकी भी उसका पीछा करती है। भागते भागते जूल्स फिर से उसी माउंटेन पर आए। जैकी ने कहा कि अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकती। उसके पास आ रही थी तभी बेहोश होकर नीचे गिर गई।
जूल्स ने उसका चाकू ले लिया। उसे मारना चाहती थी पर ये वो कर नहीं सकती। जूल्स बहुत आगे आ जाती है। वो जब फिर से जैकी को बचाने के लिए गई तो जैकी वहाँ पर थी नहीं। वो फिर जल्दी से घर पर आई, एक गन निकालती है और ज़ोर से उसने स्टूडियो लगाया। अब उसने जैकी को मारने का डिसाइड कर लिया था, उसके वापस आने का वो वेट करती है। वो रात में घर पर आए तो जूल्स ने बहुत ही चालाकी से पीछे से उस पर गन लगाई। जैकी ने कहा कि तुम उस गन से मुझे मार नहीं सकती, वो एक बहुत ही पुरानी गन है, तुम उसे चलाओगे तो तुम्हारे हाथ में वो फट जाएगी, तुम एक किलर नहीं हो। जूल्स जैकी पर गोली चलाती है पर वो बच गई। इन दोनों में बहुत फाइट हुई। फाइनली जैकी ने जूल्स को बेहोश कर दिया था। उसे घसीटते घसीटते फिर से हिल पर लेकर आई, ऊपर से उसे फिर से नीचे गिरा देती है। घर पर आने के बाद जैकी ने पुलिस को कॉल किया। जैकी को डायबिटीज की बीमारी थी और बहुत टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था, तो इंसुलिन की वो शॉट लेती है। पास में लैपटॉप ओपन पड़ा था। जैकी को उसमें जूल्स की एक वीडियो दिखती है। जूल्स ने कहा कि अगर तुम इसे देख रही हो तो शायद मैं मर चुकी हूँ। अब स्लोली स्लोली तुम्हें सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। मैंने तुम्हारी इंसुलिन की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें मिला दिया था। तुम्हारा ब्लड अब क्लॉट करने लग जाएगा। जैसे ही वो तुम्हारे दिमाग तक पहुँचेगा वैसे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। जैकी जल्दी से भागने लगे, वो किसी की हेल्प ले पाती इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम जूल्स को फिर से खून से लथपथ देखते हैं। वो थोड़ा भी मूव कर नहीं रही थी। मूवी के लास्ट मोमेंट पर हमें उसकी सांस लेने की आवाज़ आती है, इसका मतलब है वो अब भी जिंदा है। उसने फाइनली जैकी से बदला भी ले लिया है। वो एक फाइटर थी और एक बॉलीवुड मूवी की हीरो की तरह जल्दी से मरने वालों में से नहीं थी। इसी के साथ ही मूवी एंड करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।